हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A3 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A3 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ईमेल आईडी वगैरह को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन से ईमेल आईडी वगैरह डिलीट कैसे कर पाएंगे ओप्पो A3 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ईमेल आईडी वगैरह को डिलीट कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे ओप्पो A3 प्रो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन सर पर हो जाएंगे जिस पर जाकर आप अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं सेटिंग्स पे जहाँ से अपने ईमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को डिलीट कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे सिंपली। आप कर सकते हैं सिंपली, देख सकते हैं स्लाइड करना है, स्लाइड करके आपके पास में ऑप्शन आता है पासवर्ड एंड अकाउंट सेटिंग्स। देख सकते हैं कि पासवर्ड एंड अकाउंट सेटिंग्स शो हो रही है, जिसको आपको ओपन कर लेना है, टैप करके कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है जहाँ से आप अपने फ़ोन का ईमेल आईडी डिलीट कर सकते हैं। सिंपली बस ईमेल आईडी पे जाना है, जो भी आपका ईमेल था इसको रिमूव कर देंगे इस ऑप्शन के जरिए, और इस पर क्लिक करते ईमेल आईडी आपके फ़ोन से रिमूव हो जाएगी और डिलीट हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करके भी फ़ोन की ईमेल्स को आप डिलीट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने ओप्पो A3 प्रो फ़ोन में। नहीं तो आप जीमेल पे जाकर भी ईमेल को डिलीट कर सकते हैं, बस पहले वेट करना है, फिर इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे एक तरीके से ओपन कर लेते हैं, ओपन करते फिर आप देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं ईमेल को। इस पर जाएंगे तो मैनेज अकाउंट इस डिवाइस पे जाकर डायरेक्टली आप यहाँ से इसको डिलीट एंड रिमूव कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियो